तो ये फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह का व्लॉग हो रहा है शुरू 3:17 पे व्लॉग शुरू हो रहा है और अब मैं खाना खा रही हूँ, दोपहर के चावल और दाल। आज फिर से दाल चावल और बाकी मम्मी और सारे उधर बैठ के खा रहे थे। दीदी और आज दिल नहीं था, मैं सुबह से उसमें एडिटिंग में लगी हुई थी क्योंकि जो आपको बताया था सरप्राइज़ वाला व्लॉग था उसमें कुछ एडिटिंग करनी थी, फिर वो डिलीट मारना पड़ा मुझे। तो आज मैंने फिर से उसको सही किया है और फिर अपलोड किया है, तो उस करके उसमें सारा टाइम निकल गया। बाकी सारा अपना काम करके तब स्टार्ट किया था मैंने, सारा टाइम लगाया उसमें, इतना कोई दिक्कत हो गई थी तो इस करके थोड़ा सा करना पड़ा। बाकी मम्मी और तो सारे खाना खा रहे, तो फिलहाल खाना खा लेते दोपहर का। पहले अभी बज चुके 5:15 हो चुके हैं और आज मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया, सिर्फ सुबह भी नहीं किया, दोपहर से ब्लॉग शुरू किया मैंने, आज कुछ भी नहीं किया। बाकी अभी तो भाई आटा लेने गया था तो आटा ले आया जाके, मैं आराम से अपना लेटी हुई हूँ रजाई के अंदर। अब प्रार्थना उधर बैठी है, भाई भी उधर बैठा है, ये आपको दिख रही होगी अगर प्रार्थना भाई रहा। दीदी सो रहे हैं, मम्मी सो रहे हैं। प्रार्थना को लेके जाना है मुझे एकेडमी में छोड़ना है क्योंकि भाई लेने जब आटा गया था तो भाई ने परम को छोड़ दिया था, तो उसको परम को लेना है और प्रार्थना को छोड़ना है, तो वहीं रुक जाएंगे क्योंकि फिर आना जाना दोबारा पड़ता है। कोशिश करेंगे कि वहीं रुक जाते हैं, लेकिन बहुत ठंड लगती है वहाँ बैठ के, क्योंकि गेम खेल रहे थे तब तो गर्मी लगती है जो खेल रहा होता है, लेकिन हमें हमारी कुछ फिर जन जाती है बाहर बैठ के। तो देखते क्या करते हैं, परम अगर कहेगा कि घर चल लेते तो घर चले जाएंगे, नहीं तो फिर अकेडमी में बैठ रहेंगे, वहीं से सीधा अपने घर आ जाएंगे वापिस। बाकी अभी मैं बना रही हूँ चाय, भाई आ गया तो उसके लिए चाय बना दी। मैंने बनाई थी चाय, असल में मैं लेटी ही नहीं थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया चाय ठंडी होगी और ऐसी रखी रहेगी, तो मैं चाय दोबारा बना रही हूँ भाई के लिए और अपने लिए। बस बन गई हमारी चाय और प्रार्थना को छोड़ने जाना है अब, बस टाइम होने वाला है अभी। ये तो देखो बस फ़ोन में लगी हुई है, बाकी चारू भी आ जाएगी, वो कह रही थी कि मैं अपने ट्यूशन से आ जाएगी, ट्यूशन से आ जाऊँगी कह रही तब आ जाऊँगी, तो देखते आती है कि नहीं आती है। चलते हैं प्रार्थना को छोड़ने, तैयार हो गए कपड़े पा लिए, प्रार्थना भी होगी वो खड़ी है, बस चलते हैं कैमरा रख देते हैं। आ रही है प्रार्थना क्योंकि अभी साइकिल वापिस रखने जा रहे हैं हम, क्योंकि परम से चलाई नहीं जा रही साइकिल, मतलब अकेडमी जाना अकेडमी के लिए लेके आया था वो साइकिल, लेकिन उसे चलाया नहीं जा रहा है परम। परम की अभी क्लास ख़त्म हुई नहीं है, होने वाली है। और बाकी देखो ये बच्चे, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे सिखा रहे हैं। बाकी ये रहा परम, जिसके पास बॉल है उसने आगे दे दी, वो बच्चा गिर गया। अंधेरा होता ना, साफ से नहीं आती सही से, मैं कैमरे से नहीं मैं मोबाइल से शूट करती हूँ इस टाइम। कैमरा तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि एक तो मेरे ख्याल से अलाव हो गया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आराम से कर रही हूँ, और बाकी रही दूसरी बात एक ही कैमरा पकड़ना मुश्किल भी होगा ना इस करके, क्योंकि मैं प्रार्थना को लेके आई हूँ, वो साइकिल पर आई है, मैं तो अपना एक्टिवा भी चला के लेके आई हूँ। बाकी प्रार्थना की क्लास अभी शुरू होने वाली है, तो उससे पहले परम को लेके सीधा घर जाएंगे, फिर प्रार्थना को छोड़ेंगे, फिर देखते हैं हम उसकी गेम देखेंगे या फिर देखते हैं जैसे भी होता है। अभी मैं परम को ले आई हूँ घर पे और प्रार्थना को छोड़ आई हूँ फटाफट, क्योंकि लेट हो गए थे आज। परम की क्लास बहुत लेट ख़त्म हुई, मतलब 6:45 ख़त्म हुई। तो बाकी देखो बाल देखो कैसे हो जाते हैं लुट, बाकी चिपक चिपक से अजीब से हो जाते हैं। बाकी परम है वॉशरूम में, मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, पहले इसकी मम्मी को दीदी को फ़ोन करूँगी, पहले पूछ लेती हूँ कि क्या हिसाब है कैसे करना है, दूध गर्म करके इसको दे देती हूँ क्योंकि आया ना साथ ही साथ दूध देना है इसको, अभी दूध भी पकाना है तो दूध पका देती हूँ, पहले दीदी को फ़ोन कर लेती हूँ, फिर दीदी बोल रही थी दूध पका दियो तो पका देती हूँ पहले। तो देखो परम अंदर गाना गा रहा वॉशरूम में, तो ठीक है अब चलते हैं घर, पहले प्रार्थना को लेंगे और बस सीधा निकल जाएंगे परम, देखो थोड़ा तैयार, बस प्रार्थना को अकेडमी से लेके तो है गाइज, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स इज द नेक्स्ट डे बिकॉज क्योंकि मतलब कल ब्लॉग कुछ खास कर नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं आज ब्लॉग कर लेते हैं सही से, और तो कल कुछ ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं कर नहीं पाई तो इसलिए आज ब्लॉग कर कंटिन्यू। तो बाकी सुबह के बज चुके हैं 7:52 और बाकी कल चारू भी आ गई थी, तो चारू तो यहाँ सो रही है मेरे पास, ये सो रही है,
और बाकी परम प्रार्थना और उदास हो रहे। तो बाकी अभी तो मैं सुबह सुबह चाय की वेट कर रही हूँ और एडिटिंग करने लगी हूँ। एडिटिंग सोचते सुबह सुबह ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर काम करना, फिर मुझे अपने टेस्ट कराने में जाना है। क्योंकि आपको बताया था जैसे 1 तारीख को मेरे को अपॉइंटमेंट मिली हुई है रात के फिलिंग के लिए, या फिर पता नहीं डॉक्टर ने क्या करना है, तो उसके लिए मुझे टेस्ट कराना आज पड़ेगा। क्योंकि आज तारीख है 29 तारीख, तो 2 दिन पहले करा रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद मुझे अपना एक और काम है वो भी करना है और घर का काम करके फिर चली जाऊँगी मैं। तो अब इसलिए बस चाय की वेट कर रहे हैं, दीदी चाय बना रहे हैं, अब बस मैं तो आराम से लेट गई हूँ एडिटिंग करने के लिए। और बाकी आज फिर से मशीन लग गई है, खिलारा हो रखा है, जैसे आपको दिखाती हूँ देखो। मम्मी ने भाभी ने लगाई नहीं आज, कल मम्मी ने धो दिए। ओह फोन आ गया, कपड़े धो रहे हैं। और बाकी देखो खिलारा। जब मशीन लगती है ना तो ऐसे ही सारे कपड़े इधर उधर करने पड़ते, खिलारा हो जाता है। ये देखो ये चारू उठ गए, रोटी भी खा चुके हैं और काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। बाकी प्रार्थना आप जा रही है, उठ गई नहाने जा रही है अभी। बाकी 11:30 हो चुके हैं, और सुबह का खाना आ गया। खाने में है प्राजबीन की सब्जी और आल 2 रोटी। तो बाकी खाना खाते हैं, बाकी फिर देखते बच्चे तो काम में लगे। तो ये मेरा कार्ड तो बन गया है, तो आगे घर मेरा कोरोना टेस्ट भी हो गया। मैंने खुद काम करना था वो भी मैं जाया हूँ, अपना काम कर लिया। और बाकी टाइम हो चुका है 2:15 बाकी है। बाकी ये देखो इसका लड़ाई शुरू हो गई, प्रार्थना ने नहा लिया है और ये देखो कितनी स्मार्ट लग रही है। और ये कर रही है अपना काम, लड़कियाँ ब्यूटीफुल है, स्मार्ट लड़के लगते हैं। वो गोगी है वो देखो, ये परम भी है। चारू क्या है ब्यूटीफुल, मेरी बहन क्या है ये, मैं बना रही हूँ चावल, नमकीन चावल, क्योंकि दीदी बोल रहा है तू बना, तो इसलिए मैं बना रही ये बोल रही है देख लो। फ्रेंड चावल तो बन गए, ये देखो बन गए चावल, थोड़ा सा अचार लिया और चावल। बाकी दीदी और को भी डाल दिया, परम को डाल दिया और भाई को डाल दिया। बाकी प्रार्थना और चार तो काम कर रहे हैं, ये कह रहे हमने परोठा खाना है, तो दीदी कह रहे मैं पहले खा लेती हूँ फिर परोठे बना के देंगे दीदी। ये देखो ये भाई के चावल फ्रिज में रख दिए और परम ये खा रहा। ये दीदी ये कि मम्मी गुड़िया को बाहर खिला रहे हैं, मम्मी भी रोटी खाएंगे, तो दीदी कह रहे हैं मैं चावल खा लेती हूँ। इतने मम्मी ने गुड़िया को संभाला हुआ है, ले रखा है मतलब, तो फिर दीदी बना देंगे। क्योंकि जब प्रार्थना के लिए परोठे बनाएंगे तो फिर दीदी मम्मी के लिए भी बना देंगे। दीदी बना रही है रोटी प्रार्थना के लिए परोठे। हम फिर से पार्क में खेलने आएंगे, चारू भी आई हुई है, प्रार्थना भी है, परम तो है ही है। हम इस झूले पे खेल रहे हैं, बिना नीचे उतरे ऊपर ही ऊपर खेलना है, जो नीचे उतरेगा बारी उसकी। अभी फिलहाल बारी प्रार्थना की है क्योंकि हमने आप नीचे उतर गए थे। नहीं भाई लास्ट में तू चढ़ी थी, हम तो चढ़ गए थे। तब तो डाइन डिसाइड हो रहा था ना कौन देगा, तू लास्ट में चढ़ी ना, तो प्रार्थना की बारी है, बाकी हम तो ऊपर चढ़े हुए। दीदी बैठे उधर और कैमरे का बैग भी वहीं है, अभी मैं फोन से शूट कर रही हूँ क्योंकि हम खेलेंगे ना फिर शूट नहीं कर पाएंगे। और दीदी मना कर रहे हैं शूट करने से, उनको आता नहीं है मतलब ज्यादा चलाना कैमरा ना फोन, तो इसके लिए बस गेम खेलते हैं। अब इस पे चल साथ भाई प्रार्थना पर जाऊंगी मैं। ये फिसल गई है, जीता कौन भाई, जीता कौन पेड़े खाएगी 10 बार आउट होगी, आउट होगी तू। दीदी वो रहा परम, प्रार्थना वो रही और मैं ये रही। बाकी अब घर जा रहे हैं क्योंकि फिर परम की एकेडमी का टाइम हो रहा है। खाते हैं, मैंने बना ली 1 कप अपने लिए कॉफी और परम के लिए दूध उबाल के रख दूंगी पहले। और बाकी प्रार्थना जी अपने मोबाइल में लग गई है, आते तो चला गया साइकिल पे, बस वो साइकिल पे अपने आप आ जाएगा। और बाकी प्रार्थना को मैं छोड़ने जाऊंगी, डाल लेते हैं कॉफी। पैकेट मिल गया था मुझे, फ्रिज में दिख गया था, मैं परम के लिए दूध उबाल रही थी, मुझे कॉफी दिखी, मैंने कॉफी पी ली, कॉफी तैयार। ये प्रार्थना खुश हो रही है BTS का सॉन्ग सुन सुन के, ये मुझे भी सुना रही है, अच्छा लगता है मुझे, मैं बजा कर मेरे को पसंद नहीं आई, जबरदस्ती सुनाती है, इसको बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन इसको और चारू को। चलो कोई नहीं सुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी
3:04 हो गए और मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि ब्लॉग का एंड ही नहीं क्या हुआ। और सबसे मेन ये है कि ये ब्लॉग मेरा कल का ब्लॉग था, मतलब 1:03 का, 2 बजे का। लेकिन मुद्दा बात ये है ना, क्योंकि जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे को एक ब्लॉग की एडिटिंग करके दोबारा से पाना पड़ा, उसकी कटिंग करके, मतलब डिलीट करके उसे, तो उसकी वजह से मेरा ब्लॉग एक दिन पहले हो गया। तो ये ब्लॉग मेरा 31 को आना था, तो वो मेरे को 31 को डालना पड़ रहा है और 1:03 को आएगा। तो बाकी जो आज हमारा 31 का न्यू ईयर का ब्लॉग आएगा, हम रात को सेलिब्रेशन करते हैं कि नहीं देखते हैं, वो तो आगे देखते रहना। बाकी क्या हिसाब है मुझे नहीं पता, वो आपको 2:03 को देखने को मिलेगा। और अभी के लिए हम ब्लॉग का एंड कर देते हैं। कल मैं एंड करना भूल गई थी क्योंकि मैं प्रार्थना को लेके आए थे बच्चों को, जब तो आगे बस कुछ किया नहीं, बस खाना खुना खाया और बस हो गया। ध्यान ही नहीं रहा कि ब्लॉग का एंड भी करना था, क्योंकि जी आए हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे तो उस करके भूल गए। तो बाकी अब ब्लॉग का एंड कर देते हो। तो हे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो, और गाइस वीडियो को शेयर कर दो, और प्लीज यार सपोर्ट कर दो। तो अगली वीडियो में फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।